नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा भी आधुनिक युग में एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि घरेलू हिंसा परिवार में किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परंतु पारिवारिक हिंसा का संबंध मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में है। इसका कारण यह है कि महिलाएं ही अन्य परिवारों से पत्नी के रूप में यहाँ आती हैं। कभी नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में उनका सामंजस्य कठिन हो जाता है। कभी कभी दहेज भी उनके प्रति हिंसा का एक प्रमुख कारण बन जाता है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत अन्य सदस्यों के प्रति भी हिंसा की घटनाएँ घटित होती हैं, परंतु यह मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध ही विभिन्न कारणों से होती है। महिलाओं के प्रति हिंसा कोई आज की घटना नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था, और दुर्योधन ने भरी सभा में चीर हरण कर उसे अपमानित किया था। दहेज को लेकर नारी को जला देने या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर इसी देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता रहा है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न व शोषण, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करना व जला देना तथा हत्या कर देना पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण हैं। पारिवारिक हिंसा में निम्न बातें प्रमुखता आती हैं। पारिवारिक हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुँचाता है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में महिला के साथ किया गया बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देने आदि आते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में या घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा प्रमुखतः उसके उद्देश्य के आधार पर निम्नांकित प्रकार की हो सकती है। नंबर वन, जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं यातनाएं देना। सेकंड, जिस हिंसा का उद्देश्य कमज़ोर पर सत्ता कायम करना होता है। थर्ड, जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है। फोर्थ पॉइंट, जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधित विकृति के कारण की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। सिक्स्थ, जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक अन्य वर्गीकरण में हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया जा गया है। नंबर वन, आपराधिक हिंसा, इसमें आते हैं जैसे बलात्कार एवं अपहरण आदि। फिर दूसरा है घरेलू हिंसा, इसमें आते हैं जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। और थर्ड है सामाजिक हिंसा, जैसे पत्नी एवं पुत्र वधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती होने के लिए विवश करना, दहेज के लिए तंग करना आदि। भारत में पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है, जिसका विवरण हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों एवं विचारधाराओं का भी पारिवारिक हिंसा विशेषतः महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए, उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है, वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई हैं। इन सबके बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचारों
एवं अपराधों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। बलात्कार, दहेज हत्या, महिलाओं को जला देने, भगा ले जाने, अपहरण करने, उन्हें मारने पीटने की घटनाएं आज भी अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। नैना सानी हत्याकांड जैसे, जिसमें नैना सानी को उसके पति ने टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया था, कि याद अभी ताज़ा ही है। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों, जिनमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, में से 2/3 अपराध भारत के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में होते हैं। 37.4% महिला अपराध शेष भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। महिलाओं के संबंध में बताए गए ये आंकड़े अपूर्ण हैं, क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी हिंसात्मक एवं अन्य प्रकार के मामले पुलिस में दर्ज नहीं कराए जाते हैं, तथा महिलाओं के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझकर पुलिस उनमें हस्तक्षेप नहीं करती और महिलाएं भी उन्हें बाहर प्रकट करना उचित नहीं मानती। हिंसा की शिकार कौन? हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएं। हु आर द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। जिन महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है अथवा जिनके विरुद्ध हिंसा की जाती है, वे हैं, फर्स्ट पॉइंट, जो गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त यानी कि डिप्रेस्ड होती हैं, जो स्वयं अपनी नज़रों में गिर चुकी होती हैं तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप में विघटित हो चुकी होती हैं। सेकंड, जो विघटित परिवारों में रहती हैं तथा जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है, जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएं पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट, जिनमें मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, जिनमें पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जिनमें पति शराबी एवं नशेबाज होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, जो पुरुषों पर निर्भर रहती है। सेवन्थ, अशिक्षा भी घरेलू हिंसा को स्थान देती है। एट्थ पॉइंट, जिनके पति शंकालु होते हैं। घरेलू हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपेट्रेटर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधकर्ताओं की प्रमुख विशेषताएं जो विभिन्न अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुई हैं, वे निम्नलिखित हैं। वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं, बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं। सेकेंड, जो लोग शराब अधिक पीते हैं, वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। थर्ड, जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। फोर्थ, जो लोग शक्की, प्रभुत्ता चाहने वाले एवं मालिकापन वाली प्रकृति के होते हैं, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जिन लोगों में व्यक्तित्व संबंधी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, जो व्यक्ति अवसादग्रस्त यानी कि डिप्रेस्ड होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है और जिनमें आत्मसम्मान का अभाव होता है, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। सेवन्थ पॉइंट, जिन लोगों के पास प्रतिभा, साधन एवं दक्षता का अभाव होता है, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। जिनमें हीन भावना होती है, एट पॉइंट, जिनमें हीन भावना होती है, वो भी हिंसा करते हैं। नाइन पॉइंट, जिनमें आत्मसम्मान का अभाव होता है। टेंथ पॉइंट, जिन लोगों के पास प्रतिभा, साधन एवं दक्षता का अभाव होता है, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं।
आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।